आज हम बात करेंगे धंधे से एक्टर, स्वभाव से समाज सुधारक और हरकतों से सच्चे दीनधारी द ग्रेट ठग ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान की। आप जनाब आजकल टर्की में हैं। भारत तो वैसे भी बहुत सालों से सुरक्षित रहा नहीं, सो अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए जमीन तलाशते खान साहब पहुंच गए टर्की। कहने को पूरी दुनिया कहती रहे कि टर्की लोकतंत्र छोड़ अब कट्टर इस्लाम की राह पर चल रहा है, पर आमिर तो जानते हैं कि कट्टर इस्लाम सिर्फ एक मिथ है। और आमिर साहब, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्वभाव से ही समाज सेवी हैं, तो मिथकों को तोड़ते रहते हैं। एक धर्म के खिलाफ घटिया हरकतों के दृश्य और बाहियात कहानी पर बनी फिल्म हिट नहीं हो सकती, ये मिथ आपने पीके में तोड़ा था। बलात्कार एक अक्षम्य अपराध के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला संवेदनशील शब्द है, ये मिथ आपने थ्री इडियट्स में तोड़ा था। जिस देश के आपके देश से संबंध अच्छे ना हो, वहां आपका धंधा नहीं चल सकता, ये मिथ भी आपने दंगल फिल्म से चीन में 2000 करोड़ की कमाई करके चकनाचूर ही कर दिया था। और हां, देश कौन से पहले होता है, ये मिथ भी आपने भारत के मित्र राष्ट्र इजराइल के नेतन्याहू से सलाम बॉलीवुड कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने के बावजूद ना पहुंचकर तोड़ा ही था। तो लगातार मिलती चली जाने वाली डांसिंग कार की तरह ही आमिर का मिथ्स पर प्रहार तो अब जैसे उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। खैर, तुर्की में फिल्म के लिए जमीन तलाशते आमिर मिलने जा पहुंचे टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी एमीन एर्दोगन से। इसी दौरान घोंगे नुमा खिजाब और कपड़ों की कईयों परतों में पोशीदा एमीन एर्दोगन और सुरक्षित महसूस कर खिलखिलाते आमिर खान की तस्वीरें वायरल हो चली हैं। हुआ यूं कि तुर्की पहुंचते ही आमिर खान ने चेहरे पर चढ़े नकाब को सुरक्षित अनुभव करते हुए उतारकर एमीन एर्दोगन का अभिवादन किया। आमिर ने 65 की उम्र में भी हिजाब धारण करने वाली एर्दोगन से अपनी बॉयकट बालों वाली बीवी, जो 2015 में भारत के परिवर्तित हालातों व चारों ओर पहली असहिष्णुता के चलते भारत को त्यागने को व्याकुल थी, के भारत में असुरक्षा महसूस करने के अनुभव को ही साझा किया। साथ ही इस्लाम में स्त्रियों द्वारा स्वेच्छा से बुर्का और हिजाब चुनने की वैज्ञानिक संस्कृति पर भी चर्चा की और उन्हें बताया कि उनके शौहर यानी एमीन के शौहर राष्ट्रपति एर्दोगन के स्वयं तानाशाह बन चुकने और उनके द्वारा शासित टर्की में अल्पसंख्यकों के अधिकार के हनन की लगातार बढ़ती घटनाएं बुत परस्तों द्वारा फैलाई जा रही हैं, जो कि कोरी गप है। और अगर उन्हें मौका मिले तो वे जल्द ही तुर्की के लोकतंत्र के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर दुनिया को भाईचारे की छिपी हुई सच्चाई दिखा सकते हैं। इधर भारत में उनकी इस मुलाकात को देश को घटाबटा मजहबी सोच से प्रेरित बताया जा रहा है, लेकिन आमिर जानते हैं कि कल दुनिया में शांति और अहिंसा का उदाहरण बन चुके पाकिस्तान के चीन की गोद में बैठ जाने और तुर्की का पहले से ही उसी गोद में होने को मौका परस्त इत्तेफाक न होकर आसमानी ताकत का नतीजा बताया जा सकता है। और वामपंथ के लाल चड्डे इन लाल सिंह चड्डा यानी आमिर खान को भी आइडिया ऑफ इंडिया का सांस्कृतिक दूत साबित करके ही दम लेंगे। आमिर का यह विश्वास कि कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर आपत्ति जताने और हाल ही में हगिया सोफिया को फिर से कट्टरता के केंद्र के तौर पर स्थापित करने वाले टर्की के जिम्मेदार लोगों से उनकी मुलाकात को भारत और उसकी जनता गजनी की याददाश्त यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की तरह भुला देगी। और फिर यही विरोध करने वाले लोग उनकी फिल्मों को अपनी कमाई का हिस्सा देकर तोहफा कबूल हो वाला सलाम पेश करते नजर आएंगे। आमिर का यह विश्वास कितना सच साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर अभी आप लोग एक सच जान लीजिए, वामपंथी इतिहासकारों के लिए चरवाहों की भाषा, लेकिन दुनिया भर में सबसे वैज्ञानिक भाषा के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी संस्कृति की एक सूक्ति है, पयः पानम भुजंगानम केवलम विश्ववर्धनम, अर्थात सांप को पिलाया गया दूध केवल उसके विष को ही बढ़ाता है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा करना बिल्कुल मुफ्त है। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस अपडेट्स समय से मिलते रहें। राम राम।